वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब. आयशा खालिद ने हमें ज्वाइन किया. कैसे हैं आयशा? मैं ठीक हूं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. यू वेलकम. आयशा, आज अब हमें ब्रेकफास्ट के हवाले से बताने वाली, यानी कि नाश्ता. और ये टॉपिक मैं तो बहुत शर्मिंदगी के मारे मुंह छुपा के सुनूंगी क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, लेकिन नाश्ते की इंपॉर्टेंस की बात की जाए. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताया आप नाश्ता क्यों नहीं करती? मैं सुबह इतनी जल्दी उठती हूँ, मैं किया नहीं जाता. चाय के मग से मेरा गुजारा हो जाता. बट इट्स वेरी 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 बैड एंड इन अ लॉन्गर रन इसके बहुत नुकसान हैं. बिकॉज इसको अब लोगों ने चूंकि ट्रेंड बना लिया है कि जी हमने नाश्ता नहीं करना. ट्रेंड क्यों बना लिया? इंटरमीडियंट फास्टिंग एक टर्म है, उसको फॉलो करते हुए जो कि हमने इधर उधर से देख कर पकड़ लिया, जो कि बहुत गलत आदत है. लाइक इफ़ वी डोंट डू और इफ़ वी स्किप, कीप ऑन स्किपिंग द ब्रेकफास्ट, इट्स वेरी बैड एंड इट हैज़ वेरी नेगेटिव इफेक्ट्स इन अ लॉन्ग रन. नंबर वन. नंबर टू, नाश्ता ना करने के, मैं सबसे पहले ना करने की बात पे वो करूँगी कि डिसएडवांटेजेस क्या एंड इम्पॉर्टेंस देन लेटर ऑन. डिसएडवांटेजेस में कि हम जब मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वी हैव टू ब्रेक आर फास्ट इन 4 घंटे 5 घंटे और 8 घंटे जितनी भी हम घंटों की नींद ले रहे हैं, उसके बाद हम अपना वी आर सपोज टू ब्रेक आर फास्ट. ब्रेकफास्ट का मतलब बेसिकली ये है, ठीक है? तो वो जब हम नहीं कर रहे हैं तो बाद में, मतलब 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, इन रश हम ऑफिस जा रहे हैं या जो भी, उस वक्त हम हमारे पास, जबकि एक साइड पे हेल्दी ईटिंग ऑप्शंस हैं, लेटर ऑन हम अनहेल्दी ईटिंग ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, ठीक है? अब उसमें अनहेल्दी ईटिंग ऑप्शंस हमारे पास बहुत सी हो सकते हैं. उसमें हम डोनट्स खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, हम जो स्नैक्स में या जो भी चाय के साथ कुछ और खा लिया. अब यही चीज़ें जब हम घर से निकलते हुए अगर हम ब्रेकफास्ट पे थोड़ा सा अपना टाइम दें और थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ फोकस्ड होके प्राइमरली कि जी इट हैज़ टू बी, यू नो, इट हैज़ टू बी टेकन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम हेल्दी ईटिंग ऑप्शंस की तरफ जाएंगे. जैसे कि प्रोटीन पैक्ड फूड हमारे पास आएगा एंड मतलब इट इज़ सपोज टू हमारा, मतलब इट रिप्लेनिशेस योर सप्लाई ऑफ शुगर, योर ग्लूकोज बेसिकली. और हेल्दी और अनहेल्दी की फिर बात आ जाती है एंड हमें वी हैव टू टेक कार्ब्स, वी हैव टू टेक प्रोटीन्स. तो जो हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस हैं हम उनको छोड़कर थ्रू आउट द डे फिर अनहेल्दी ईटिंग ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, यूजुअली व्हेन वी आर आउट ऑफ होम, ठीक है? व्हेन वी आर आउट ऑफ आवर हाउसेस. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम घर से कुछ खाकर निकलें और ज़रूर खाकर निकलें. क्या खाकर निकलें? क्या खाकर, दैट्स द पॉइंट. अब पॉइंट रिमेन्स कि क्या खा कर निकल सकते हैं और क्या कितना हम टाइम मैनेज कर सकते हैं उस हेल्दी ईटिंग के लिए, ठीक है? कितना हम टाइम दे सकते हैं और कितना टाइम देना चाहिए? कम अज़ कम 400 से 500 कैलोरीज हमारी ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए. कम अज़ कम, ठीक है? अब हमारी रूटीन क्या होती है कि हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच में कुछ अनहेल्दी ले लेते हैं और डिनर बहुत ज़्यादा हैवी कर लेते हैं. जबकि ब्रेकफास्ट हमारा हैवी होना चाहिए, लंच उससे थोड़ा कम होना चाहिए और डिनर उससे बिल्कुल कम होना चाहिए. तो हम उल्टा चल रहे हैं. तो डेफिनेटली इट्स, यू नो, वर्किंग अदर वे अराउंड. तो खाना क्या चाहिए? दही हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है. सीरियल्स में हमारे पास होल व्हीट हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, राइट? वी कैन गो फॉर लाइक शेक्स एंड अगेन हम एम्प्टी कैलोरीज को अवॉइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एम्प्टी कैलोरीज में अब जिस तरह दो दो तीन तीन चम्मच अगर हम चाय में डाल के पियेंगे, कैलोरीज भी जा रही हैं, उसका हमें न्यूट्रिशनली कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा, ठीक है? उसका कोई फायदा नहीं हो रहा. देन हमारे पास दूध बहुत अच्छी, अंडा बहुत अच्छी ऑप्शन है. हम एट द सेम टाइम प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल फ्रॉम गुड सोर्सेज, राइट? हम अच्छे कार्ब्स ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हैं, बजाय इसके कि हम लेटर ऑन जाके अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं, जिसका हमें फायदा भी नहीं हो रहा. अगेन एम्प्टी कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा आयशा, नाश्ते में क्या क्या होता है? एक पोर्शन साइज जो आप बताएंगी हमें कि नाश्ते में ये चीज़ अगर 400 से 500 कैलोरीज ले रहे हैं तो किस फॉर्म में ले सकते हैं? अगेन हमारे लिए हम 2 एग व्हाइट्स भी ले सकते हैं, उसको बॉयल फॉर्म में ले लें. एक 6 से 8 ounces दही, तकरीबन आधे से ज़्यादा कप दही बनता है, ठीक है? हम उस दही को कंज्यूम करें और डेली बेसिस पे करें और ज़रूर करें. हम चाय ले सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग चाय. बट ये तो बेहतरीन बात बताई. नहीं, डेफिनेटली हम चाय ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है? एक्सेस नहीं होनी चाहिए. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए. अगेन देखें, मेटाबॉलिज्म, खाली पेट हमारा फास्टिंग आवर्स बहुत लंबे हो गए, उसके बाद आपने डायरेक्ट अपने स्टमक में ऐसी चीज ली जो आपको डायरेक्ट जाके हिट कर रही है, आपको फायदा नहीं दे रही है, राइट? तो हम ऐसी चीजें लेंगे, जैसे कि दही बहुत अच्छा है, उसमें प्रीबायोटिक्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है.
ठीक है, इन अ लॉन्गर रन अगेन कि थ्रू आउट द डे अगर हमें कोई डाइजेस्टिव मसले हैं, हमारा डाइजेशन का इशू है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसके लिए दही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स. अगेन हमारी गट हेल्थ अच्छी करेगी, यानी गट में जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी. तो ऑटोमेटिकली ये देखें इंटरनली हमारे काम जो हम खा रहे हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन उस हिसाब से हो रहे हैं, ठीक है. और अच्छा खा रहे हैं तो वो एंजाइमेटिक रिएक्शन उस हिसाब से होंगे, हम गलत खा रहे हैं तो वो उस हिसाब से होंगे. तो हमें अपेरेंटली वी डोंट नो वॉट टू ईट, वी आर हियर, वी आर द राइट पीपल टू टॉक टू कंसल्ट विद. तो वी आर टेलिंग यू दैट दिस इज वॉट यू हैव टू डू. अब अगर हम कह रहे हैं दही खाना है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ दही ही खाना है, ठीक है. अब दही के साथ और भी अच्छी ऑप्शन, जैसे हम दूध ले सकते हैं, ठीक है, हम दो ब्रेड के होल व्हीट की यानी ब्रांड जिसे हम आम जुबान में बोलते हैं ब्रांड के हम स्लाइसेस ले सकते हैं, उसके साथ हम एक फ्राई अगर एग लेना चाहते हैं फ्राई एग भी ले सकते हैं. और आपको पता है जब स्किपिंग द ब्रेकफास्ट की जब बात होती है तो हमारे पास जो रेशो है ओवरवेट लोगों की, उनमें जो उनकी हिस्ट्री हम जब रिकॉल हिस्ट्री लेते हैं या 24 आवर हिस्ट्री लेते हैं, अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे होते हैं लोग रिकमेंड, या इस तरह से बहुत कम लोग होते हैं जो खाए, स्पेशली लाहौरियों की बात करें तो वो देसी खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल या ग्रिल्ड वेजिटेबल्स हैं या उनको स्टर फ्राई करके या कुछ इस तरह करके इस्तेमाल करने का रुझान नहीं है, कम करते हैं कंपैरेटिवली, बल्कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ही कम, जब स्पेशली जब से जंक की तरफ रुझान आया. असल में यही हमारा डायलेमा है, हमारी कॉम का यही प्रॉब्लम है कि हम हेल्दी चीजों की तरफ तब जाते हैं जब खुदा ना खास्ता बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुके हैं, और हम बीमार हो तो हम कोई हेल्दी चीज खा रहे होते हैं, मतलब नाश्ते में फिर हम दलिया खाते हैं जब हम बीमार. एग्जैक्टली. और वो मैं अभी कुछ दिन पहले, बिकॉज आई रादर डोंट नीड डाइट और समथिंग, लेकिन मैं ये समझती हूँ जब मैं देखती हूँ हालात हॉस्पिटल में और बढ़ती हुई शुगर की रेशो, ब्लड प्रेशर की रेशो, तो मैंने अभी से चीनी और नमक छोड़ दिया. वुड यू बिलीव? And this is what I practically do, because if I do that, तो मेरे लोग भी करेंगे, जो मुझे सुन रहे हैं वो लोग करेंगे, कि ये हमारे पास एक नमूना है, एग्जाम्पल है. कि ये आप बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते? नहीं करती हूँ, but it's, I won't lie कि मैं बिल्कुल नहीं करती. लेकिन उसके लिए मैं दो चम्मच चीनी पीती थी चाय में, ठीक है, मैंने एक कर दिया. शेक्स में मैंने चीनी बिल्कुल छोड़ दी है, फ्रूट्स का नेचुरल. इसके अलावा कि मुझे जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, व्हेन आई एम फीलिंग लो या मुझे अपना एनर्जी लेवल डाउन फील हो रहा होता तो फिर मैं चीनी ले भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है. लेकिन मैं शुरू से आदत डाल रही हूँ, उसी तरह हम अपने, देखें जो बड़े हैं या जिनको आदतें जिनकी खराब हो गई हैं वो ठीक कर सकते हैं, मगर ये खराब आदतें हम अपने बच्चों में अगर उनको हेल्दी ईटिंग की तरफ लेकर आए तो वो बच्चे उन चीजों को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं. नाश्ते में फ्रूट्स की बात कर रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम चाहेंगे उसको. अच्छा, नाश्ते में फ्रूट्स डेफिनेटली, जैसे मैं शेक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, हम फ्रूट योगर्ट बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है जो कि हम बच्चों को स्पेशली स्कूल में जाते हुए दे सकते हैं, ठीक है. फ्रूट योगर्ट हम खुद भी खा सकते हैं, उसमें हम नट्स डाल सकते हैं, नट्स में हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उसमें अच्छे हमारे पास अच्छा कार्ब, अच्छा फैट, वी कैन गो फॉर देम, वी कैन गो फॉर फ्रूट इन मॉर्निंग स्नैक्स के तौर. मॉर्निंग स्नैक के तौर पर अगर हम अर्ली मॉर्निंग या फॉर एग्जाम्पल 9 बजे 8 बजे नहीं लेना चाह रहे तो 11-12 के दरमियान, यानी मिड मॉर्निंग में हम ले सकते हैं स्नैक के तौर पर, चाय से थोड़ा पहले या चाय के बाद. अगर आप चाय की एक रूटीन बनी हुई है तो एक सेब ले लिया, आड़ू ले लिया, जैसे आड़ुओं का मौसम था, अब जैसे आगे ऑरेंजेस का मौसम है तो ग्रेप्स, वी हैव ग्रेप्स, बहुत अच्छी ऑप्शन है और फुल पैक्ड है, एनर्जी पैक्ड है. सो फ्रूट्स आर ऑलवेज देयर. उनको स्मूदीज प्लस एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है. स्मूदी में और शेक में फर्क ये है कि स्मूदी दही से बनती है एंड शेक हम दूध से बनाते हैं, तो स्मूदी की कंसिस्टेंसी एक डिपेंड करता है, कहीं लोग बहुत ज्यादा थिकनेस पर उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से उनको अवॉइड करते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें हल्का सा, ताकि थोड़ी सी पतली यानी उसको थिन करके एंड यू कैन गो फॉर स्मूदीज एज वेल. लवली लवली. अच्छा, हमारे यहाँ जो देसी नाश्ता है लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्या बिल्कुल कहती हैं स्किप कर दें, वंस इन अ ब्लू मून कर सकते हैं? नहीं, उसको चीट डाइट बोलते हैं. वंस इन अ ब्लू मून देखें, अगर हम इफ वी गो हार्ड ऑन आवरसेल्व्स वीड नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग. हार्ड नहीं होना चाहिए, वो कभी कभी चीटिंग कर लेते हैं, कर लेते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है. चीट मील कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, चीट मील अब आप डेली ना बना लें. हफ्ते में वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कोई महीने में 2 बार आप किसी संडे को चले गए उसमें आप, लेकिन अगेन अवॉइड हलवा पूरी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर के रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि देखें उन्होंने तो इस चीज को कमर्शियल ले लिया, वो कितने दिन का पड़ा हुआ ऑयल है उसमें, हाइजीन का ख्याल रखा है, हाइजीन है, देन वो ऑयल उसकी रेंसिडिटी, यानी रेंसिडिटी एक टर्म होती है कि ऑयल खराब हो जाता है, ठीक है, तो वो पड़ा उसमें वो एक उसका वो उल्टा आपको नुकसान देगा, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, एंड देन जो हमारे हार्ट के पेशेंट्स हैं खुदा ना खास्ता, जो हमारे डायबिटिक्स हैं, तो उनको जिनको ऑलरेडी
हार्ट डिजीज की तरफ लीड कर रही है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए 100%. लवली लवली. लेकिन हम जैसे लोग ठीक है, मतलब लेकिन नॉट वी शुडंट बी गोइंग एवरी डे. ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया. ना ब्रेकफास्ट की अहमियत तो बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं स्किप करती हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल स्किप ना किया करें. मैं भी कोशिश करूंगी कि कुछ ना कुछ अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर लूँ. और हमें इतनी जबरदस्त बातें पता लग गई. अभी हम आपसे इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह से हमारी मुलाकात होगी कल. हमें फेसबुक पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें पता लगेगा. और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक हम डिस्कस करें तो हमें जरूर बताइएगा, हम अपने शो पर उसको डिस्कस करेंगे. आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.